देहरादून में झंडे जी का मेला हुआ शुरू। होली के पांचवें दिन झंडा रोहण कराया जाता है और उसके बाद परिक्रमा भी की जाती है। भारत न्यूज 21 के संवाददाता ने महाराज जी से करी खास बातचीत। महान जी ने बताया कि झंडे का मेला बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में संगत में आए लोग। साथ ही महंत जी ने कोरोना वायरस को लेकर भी बताया कि देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, उसमें कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और झंडा रोहण के पिछले दिन कथा संगत में नगर परिक्रमा में महाराज जी ने 1676 में घाटे और अपना डेरा डाला था और तब से परंपरा जो है मिलती थी। महाराज जी जो समय का धर्म था उसकी परिक्रमा करते थे, आज संगत है उसी पथ को जो है फॉलो करते हैं और दरबार साहिब जी के उसके बाद कोरोना वायरस जो है उसके लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और हमने 8 तारीख से हमारी संगत में रहना और डॉक्टर्स पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ को तैयार किया है। तो थर्मल स्कैनर भी हमारे पास जो भी एंट्री कर रहा है उसके बॉडी का तापमान कहीं बुखार तो नहीं, कहीं सफाई नहीं, ऐसी कोई भी बात अभी तक नहीं पाई गई। उसके अलावा हम लगातार अपनी संगतों को जागरूक कर रहे हैं किस तरह से बचाव कर रहे हैं।